सीवीजी द्वारा बनाए गए सबसे सुंदर और आकर्षक चीजों में से एक हैं। पंख रंगीन, मुलायम और शक्तिशाली होते हैं, जो पक्षियों को कई हजार फीट ऊपर कई घंटों तक उड़ा सकते हैं, जहां इंसानी सीमाएं बाकी जानवरों को एक देश से दूसरे देश में प्रवेश नहीं करने देती। वही पंखों के सहारे पक्षी किसी भी सीमा को ना मानते हुए दूर गगन में समंदर को भी पार कर जाते हैं। प्रकृति में हर जीवित चीज की तरह पंख भी विकसित होते हैं, बाकी जानवरों की तरह पक्षी और उनके पंख भी एवोल्यूशन के परिणाम हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी डायनासोर के वंशज हैं। इसीलिए पंखों का विकास देखने के लिए हमें सबसे पहले डायनासोर को देखना होगा। 1990 के दशक के अंत तक पेलियंटोलॉजिस्ट में इस बात को लेकर सहमति बनने लगी थी कि कुछ डायनासोर की प्रजातियों में पंख पाए जाते थे और पंख इन्हीं से पक्षियों में आए हैं। 1996 तक वैज्ञानिकों को डायनासोर के ऐसे कई अवशेष मिले जिनमें यह बात सिद्ध होने लगी कि कुछ डायनासोर के पंख हुआ करते थे। इसके बाद डायनासोर के कई अवशेषों में पंख होने की बात सिद्ध हुई है। पंखों वाले कुछ डायनासोर कबूतर जितने छोटे तो कुछ बस जितने बड़े थे। जिस तरह इंसान के बाल कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं और मैमल्स जैसे कि भेड़िया गाय आदि का फर भी इंसानी बाल का ही दूसरा रूप है, वही शाही जानवर जिसे इंग्लिश में पोर्क्यूपाइन भी कहते हैं, इसके शरीर में बालों की जगह नुकीले कांटे होते हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंसानी बाल, जानवरों के फर और शाही के कांटे, इन तीनों की रासायनिक संरचना में अंतर होते हैं, पर ये तीनों चीजें मूलतः कैरोटीन से बनी है, इसलिए इनकी मूल संरचना लगभग एक समान है। ठीक इसी प्रकार पक्षियों में भी पंख बीटा कैरोटीन के बने होते हैं, पर शुरुआती पंख जो डायनासोर में पाए जाते थे वे शाही के कांटों की तरह ही थे। इन कांटों को आप पंख के बीचों बीच देख सकते हैं। इन कांटों के ऊपरी हिस्से में पतली ब्रांचेस होने लगी जिससे शुरुआती पंख छोटे छोटे झाड़ू जैसे दिखते होंगे। फिर विकसित होते होते ये पंख किसी पेड़ की डालियों की तरह फैलने लगे। अब तक के विकास में पंखों ने वैसा रूप ले लिया जैसा वे अब है। पंख विकास के साथ ही यह डायनासोर के पूरे शरीर में फैलने लगे। यह माथे से लेकर पैर तक लगभग पूरी बॉडी को कवर करने लगे थे। कुछ अवशेषों में यह पुष्टि भी हुई है कि डायनासोर के पंख भी आज के पक्षियों के पंखों की तरह ही रंगीन भी हुआ करते थे। डायनासोर को अक्सर बहुत विशाल और खतरनाक बताया जाता है, पर वास्तव में डायनासोर क्यूट और सुंदर भी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर के पंख कोयल की तरह काले तो कुछ डायनासोर के सिर पर मुर्गे की तरह कलगी होती थी जो रंगीन पंखों की बनी होती थी। पंख होने के बावजूद भी लगभग सभी डायनासोर उड़ नहीं सकते थे क्योंकि उनकी भुजाएं बहुत छोटी थीं और उनका शरीर बहुत भारी। पर पंखों का उपयोग केवल उड़ने के लिए नहीं बल्कि कई और उद्देश्यों से भी किया जाता था, जैसे कुछ पक्षी अपने पंखों का उपयोग झाड़ियों के बीच छुपने में करते हैं, शुतुरमुर्ग अपने बच्चे को छाया देने में और मोर मोरनी को आकर्षित करने में। ठीक इसी प्रकार पंख डायनासोर की भी मदद करते थे। इसके अलावा जो डायनासोर उड़ सकते थे फिलहाल उनके बारे में वैज्ञानिक यह नहीं कह सकते कि वे उड़ना कैसे सीखे, यानी डायनासोर किस तरह उड़ सकते थे यह बात मिस्ट्री है। पर वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि हो सकता है डायनासोर के पंख उन्हें पहाड़ और घाटियां चढ़ने में मदद करते होंगे, जिससे डायनासोर इनका इस्तेमाल तेजी से दौड़ने और ऊंचाई चढ़ने में करने लगे, जिससे एवोल्यूशन के फलस्वरूप इनकी भुजाएं लंबी व मजबूत हो गईं, जिससे यह अपने पंखों में हवा भरकर थोड़ी दूर तक छलांग लगाकर हवा में तैर सकते होंगे, और ऐसे ही डायनासोर की भुजाएं उनके पंख बन गईं। इसी प्रकार 5 करोड़ सालों में पंखों का विकास इस प्रकार हुआ जैसा आज हम उन्हें पक्षियों में देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें।